राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं TFW सीट की, ये क्या होती है भैया। तो देखो जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो दो प्रोसेस में बटा होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है ट्यूशन फीस, दूसरा होता है एकेडमिक फीस। ट्यूशन फीस में बहुत फीस लगती है भैया, लाखों रुपए। अगर आपकी 10 लाख रुपए फीस है तो उसमें से 8 लाख रुपए क्या होगी, ट्यूशन फीस होगी। 2 लाख रुपए एकेडमिक फीस में कौन कौन सी आती है, लाइब्रेरी, आपका डेवलपमेंट चार्ज, आईडी कार्ड, डॉक्यूमेंट चार्ज, ये छोटे मोटे चार्ज होते हैं, इनको बोलते हैं हम एकेडमिक चार्ज। हाँ जी, तो जैसे आपके अगर आपको अगर TFW सीट मिलती है तो आपकी अगर कॉलेज की फीस 10 लाख है तो आपको सिर्फ फीस देनी है 1 से 1.5 लाख रुपए, वो भी 4 साल के अंदर, एकदम मजे हो जाएंगे अब। लेकिन ये जो है किसी भी कॉलेज के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग होते हैं उसमें सिर्फ 2 सीटें होती है। हाँ जी भैया, 2 सीटें होती है, काफी कम सीटें हैं, लेकिन आपकी अगर अच्छे मार्क्स हैं जरूर मिल सकती है भैया, जरूर मिल सकती है। अब आगे बात करते हैं रीव का काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहता है। अब वैसे तो रीव का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है राजस्थान वाले बच्चों के लिए। सबसे जरूरी है कि भैया आप कौन सी ब्रांच चूज करो भैया, अब तुमको समझ नहीं आ रहा भैया, ये कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, माइनिंग, प्रोडक्शन, सिविल, मैकेनिकल, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, 4 साल बाद कौन सी चलेगी, 5 साल बाद कौन सी रहेगी नहीं रहेगी, कौन सी करे कौन सी नहीं करे। हाँ जी, कौन सी करे कौन सी ब्रांच ले हम, कोई बात नहीं, इसके लिए हमारा बोर्ड लाइन नंबर दिया है, collegejankar.com दिया है, वहां पे जाके विजिट करो तुम। दुनिया का सबसे अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपकी जिंदगी बदल दे रहे हैं उस प्रोग्राम से, आप उसको जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट सॉल्यूशन भी, आपका पेमेंट फेल हो गया, आपका फॉर्म नहीं भर रहा, आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा, आपके मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कट ऑफ कितना है, मेरिट लिस्ट कब आएगी, एडमिशन का क्या प्रोसेस है भैया, है आप नागौर से हो, बाड़मेर से हो, राजस्थान से हो, कानपुर से हो, जयपुर से हो, कश्मीर से हो, कन्याकुमारी से हो, सबका वन स्टॉप सॉल्यूशन है collegejankar.com, उस पर जरूर से विजिट कर सकते हो भैया। बोर्ड लाइन नंबर दिया है, इस पर जरूर से कॉल लगा सकते हो आप लोग। अब आगे की बात करते हैं भैया, राजस्थान का क्या प्रोसेस है, हाँ राजस्थान में एडमिशन कैसे मिलेगा, इसके कौन कौन सी शर्तें हैं वो भी थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हमारे राजस्थान में एक कहावत चलती है, अपने तो अपने ही होते हैं जी भैया, अपने तो अपने ही होते हैं, राजस्थान भी यही करता है भैया, अपने तो अपने ही होते हैं जी, राजस्थान वाले तो राजस्थान वाले ही है। तो रीप क्या बोलता है, जो राजस्थान के लोग हैं उनके लिए 85% सीटें रिजर्व्ड है, यानी कि अगर आप राजस्थान से हो तो आपको 85% सीटों में से मिलेगी। अगर 100 सीटें हैं तो 100 में से 85 सीटों में से आपको एक सीट मिलेगी, और अगर कोई आउट ऑफ राजस्थान से है तो उसको 15 सीटों में से एक सीट मिलेगी। तो राजस्थान वालों के लिए एडमिशन के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं यहाँ पे। हाँ जी, अब इसमें आगे क्या चलता है, इसमें जो राउंड होते हैं भैया, पहला जो राउंड होगा वो होगा TFWS सीटों का, पहले मैंने आपको बताया ना, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर आपको ट्यूशन फीस माफ हो जाती है भैया, बहुत कम पैसे लगते हैं इसके अंदर, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज सारी ही पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद में क्या होता है भैया, उसके बाद में राउंड होते हैं अलग अलग प्रकार के। पहले राजस्थान क्या करता है, राजस्थान वाला बोलता है रीप वाला कि यार ये जो काउंसलिंग होती है इसके अंदर बाहर वाले बच्चे बहुत कम है, पहले इनका किस्सा खत्म करते हैं। तो एक अदर स्टेट वालों का राउंड निकाल देते हैं, वो सबसे पहले राउंड 1 निकाला उनका, कोई बात नहीं आपको सीट मिली है कोई बात नहीं, फीस भर दो आप। हाँ जी, आप जो फीस भर दो, आप कॉलेज में जाके भरो, ऑनलाइन भरो, आप फीस भर दो, आपकी डेडलाइन है। हाँ जी, अब ठीक है भैया, फीस भर दी हमने, फीस भर दी, अब उसके बाद में क्या करता है, आपको आपने फीस भर दी, हाँ जी, आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए जाना चाहते हो भैया, आपको कोई 3 नंबर आपने जो चॉइस फिलिंग करी थी, वो रीप क्या करता है कि यार मेरे पास इतनी सारी कॉलेज है 14,000 सीटें हैं, हाँ जी तू ऐसा कर, तू चॉइस फीलिंग्स कर दे, मेरे को बता दे कि तेरे को सबसे पहले किस कॉलेज का कौन सा ब्रांच चाहिए, दूसरे पे कौन सा चाहिए, तीसरे पे कौन सा चाहिए, चौथे पे कौन सा चाहिए, तू बस मुझे अपनी चॉइसेस बता दे। अगर तेरे अगर सबसे ज्यादा नंबर है तेरे को मैं पहली दूंगा, तेरी जितनी रैंक है उसके हिसाब से मैं तेरे को दे दूंगा, लेकिन तू अपनी चॉइसेस मुझे बता कि पहले नंबर पे ये चाहिए, दूसरे पे ये चाहिए, तीसरे पे ये चाहिए। अब जो रीप क्या करता है, रीप बोलता है भैया तेरे को सीट मिल चुकी है, अब कोई बात नहीं, तेरे को अगर पहली मिली है तो कोई बात नहीं, अगर तेरे को दूसरी मिली है तो क्या तू पहली की तरफ जाना चाहता है, हाँ जी, अगर तेरे को 10वीं मिली है तो क्या तू 10 से ऊपर जाना चाहता है, क्या 10 से नीचे, आई मीन 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इसकी तरफ जाना चाहता है। हाँ जी, तेरे को 10 नंबर तो मिल चुके हैं, तूने ले भी लिया, लेकिन तेरी चॉइस तो ये थी ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन तेरे को तो 10 नंबर की मिली है, अब इसका मतलब तू ऊपर वाले में थोड़ा ज्यादा खुश है, लेकिन मैं तेरे को एक ऑप्शन देता हूँ, वो अपवर्ड मूवमेंट का, बहुत सारे बच्चों ने सीट एक्सेप्ट नहीं की, मैं तेरे को आगे भी बढ़ा सकता हूँ, अगर तू चाहता है तो तू अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर दे,
अच्छा बोलता है ठीक है जी भैया ठीक है अपवर्ड मूवमेंट अप्लाई कर देता हूँ, अगर उसको उसमें मिलती है अपवर्ड मूवमेंट में तो ऊपर वाली दे देते हैं वो। इस प्रकार से ये गेम खत्म। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बोलते हैं राजस्थान वाले, हाँ जी राजस्थान वाले का राउंड निकालता हूँ। अब कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए राउंड वन निकाल रहा हूँ मैं, राउंड वन में सीटें दे दी भैया उनको, दे दी। अब ठीक है कोई बात नहीं, राजस्थान वालों को सीटें मिली है, अच्छा अच्छा ठीक है तुम्हारे लिए भी अपवर्ड मूवमेंट निकाल देते हैं भैया, हाँ अपवर्ड मूवमेंट तुम्हारे लिए भी निकाल दिया, कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा थोड़ी सीटें बच गई है, एक राउंड और निकाल देता हूँ, हाँ जी दूसरा राउंड निकाल दिया। अब ठीक है भैया दूसरा राउंड भी हो गया, उसके बाद क्या होता है थोड़ी बहुत सीटें बची होती है, कोई सी कॉलेज में सीट है कोई सी कॉलेज में सीट नहीं है। रीप क्या बोलता है, रीप बोलता है यार बस ठीक है हो गया, अब कॉलेज वालों को बोलता है अच्छा कॉलेज ऐसा कर मैंने अपना काम कर दिया, अब तू अपने हिसाब से तेरे पास अगर कोई सीटें बची है तो अपने हिसाब से जो भी आ रहे हैं उनको अखबार में निकाल दे कि मेरे पास इतनी सीटें बची है, जिसको भी लेना हो वो इतनी बजे इस टाइम पे आ जाए। अब ठीक है भैया कॉलेज वाले बोलते हैं ठीक है हम अपने हिसाब से बेच देंगे अपनी सीटें, कोई बात नहीं, और इस प्रकार से काउंसलिंग खत्म हो जाती है। अब लेकिन ये रीप क्या करता है, रीप एक गवर्नमेंट बॉडी है, अब रीप जो है रीप के अंदर प्राइवेट कॉलेज भी आता है गवर्नमेंट कॉलेज भी आता है, जैसे पहले भी मैंने आपको बता रखा है। अब रीप क्या करता है कॉलेजों को बोलता है भैया मैं तुम्हारी सीट भी भर दूंगा, प्राइवेट कॉलेज जो तू तेरे को भी एडमिशन करा दूंगा गवर्नमेंट को भी एडमिशन करा दूंगा। प्राइवेट कॉलेज वाला बोलता है भैया तू तो अपने हिसाब से एडमिशन करता है, तू अपने हिसाब से एडमिशन करता है, जिनके ज्यादा मार्क्स होते हैं उनको एडमिशन देता है मेरे कॉलेज में, मेरे दादा के नाना के चाचा के मेरे दोस्तों के मेरे कॉलेज वालों के, मैं तो प्राइवेट कॉलेज हूं ना तो मेरे को भी तो मौका मिलना चाहिए कि नहीं भाई कि मैं अपने दोस्तों को भी एडमिशन दे सकूं, हां जी मेरे रिश्तेदार को भी दे सकूं, जान पहचान वाली भी है मेरे तो काफी सारे उनको भी तो देना चाहता हूं, मेरा प्राइवेट कॉलेज है भाई। और तो री बोलता है ठीक है अब तू 15% सीटें अपनी रख ले, अगर तेरे पास 100 सीटें हैं तो 85% सीटें पे कब्जा मैं रखूंगा, तेरी जो 15% सीटें हैं वो तू अपने हिसाब से भर ले, तेरे को किसी से ज्यादा पैसे लेने हैं तो वो भी ले ले, कम पैसे लेने वो भी ले ले, वो तेरा काम है, लेकिन जो 85% सीटें हैं उस पे तो मैं अपना अधिकार रखूंगा भैया, मैं रीप हूं गवर्नमेंट हूं मैं खुद करूंगा एडमिशन उनमें, अब तू 15% पे तू कर ले। हाँ जी तो आपके पास ऑप्शन क्या रहता है, आप प्राइवेट में डायरेक्टली जा सकते हो भैया, वो वैसे आपसे ज्यादा पैसे मांग सकते हैं वो, हाँ जी आपकी ये हमारा मैनेजमेंट कोटा है कोई बात नहीं, मैनेजमेंट टीचर्स प्रोफेसर डीन वो अपने हिसाब से बांट सकते हैं भैया, वो इलीगल नहीं वो लीगल प्रोसेस है, वो आपसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं तो आपको देने पड़े। हाँ जी वैसे तो आजकल बहुत पैसे काट रहे हैं प्राइवेट कॉलेज वाले, लाखों रुपए ले रहे हैं और जॉब दे रहे हैं 15,000 रुपए पर मंथ 14,000 रुपए पर मंथ। हाँ जी एक मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है, अब ये अच्छे कॉलेज मिलेगा कहाँ पे भैया, अच्छे कॉलेज कहाँ पे मिलेंगे उसको आप लोग जरूर से देखो भैया, वो कैसा है उसके अंदर क्या होता है आपको अगर समझ नहीं आ रहा भैया अच्छा कॉलेज कौन सा लूँ मैं, हाँ जयपुर में लूँ सीकर में लूँ हाँ गंगानगर में लूँ पाली में लूँ अजमेर में लूँ और या राजस्थान में लूँ ही ना है कहाँ पे लूँ, अगर आप भी परेशान है यार नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगा, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 10,00,000 रुपये लगा रहे हो भैया 10,00,000 रुपये लगा रहे हो आप, इसलिए थोड़ा जरूरी है पेशेंस आना इंजीनियरिंग में ना बिल्कुल ना घबराना, इसलिए आपके लिए मैंने हेल्पलाइन नंबर दिया है इस पे कॉल करके आप लोग एक बार सलाह जरूर ले सकते हो भैया राजस्थान के क्या अच्छा है, वैसे राजस्थान में वैसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम है ना, अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ना टेक्नोलॉजी है ना R&D है, वैसे तो बहुत कम फैसिलिटीज है, आप इंडिया के सिलिकॉन वैली में कैसे पढ़ाई कर सकते हो, एक मैंने आपको बताया है कि एक मैंने एक वीडियो और बनाया जिसके अंदर मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए, हाँ जी इंडिया के सिलिकॉन वैली मुंबई दिल्ली अब वैसे बहुत सारी जगह है जहां पे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो भैया, आपका कोई स्टार्टअप का आइडिया आप स्टार्टअप भी कर लोगे आप आसानी से, R&D टेक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज भी मिल जाएगी, उसके लिए क्या करोगे, हाँ जी उसके लिए हमारा बोर्ड लाइन नंबर दिया है हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप हमारे काउंसलिंग प्रोसेस में इनरोल कर सकते हो भैया, हम आपको एकदम एक्सपर्ट बना देंगे, अब आप बिल्कुल समझ जाओगे भैया नौकरी तो मिलेगी मेरे को, हाँ जी या फिर नौकरी नहीं मिलेगी मेरे को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम आपको एक्सपर्ट बना देंगे, डोंट वरी। आप अगर चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि भैया ये फॉर्म कैसे फिल करते हैं, हाँ जी ये रीप काउंसलिंग प्रोग्राम इसके अंदर कौन सी चॉइस कैसे फिल करते हैं, कौन सा प्रोग्राम हमको लेना है, कौन सा कॉलेज हमको लेना है नहीं लेना है, आप अगर आपने मुझे अगर अब 100 कमेंट करके बताया, हाँ हाँ जी आपने अगर मेरे को 100 कमेंट करके बताया तो मैं आपके लिए जरूर से एक वीडियो बनाऊंगा और बिल्कुल आपको स्क्रीन के ऊपर भर भर के सारी की सारी चॉइसेस भर के आपको मैं दिखाऊंगा, उसके लिए आप मेरे को 100 कमेंट कर दो, मैं आपके लिए जरूर से वीडियो बना दूंगा। अब थैंक यू सो मच।